everyone. Welcome to our channel Travel with Anudeep. So we have finally reached Maldives. This video is going to be a quick guidebook for all of you out there planning for their trip to Maldives. In this video, we will be mainly talking about our transfers to the Mafushi Island and how was the arrangement and the process out there. और जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, हमारा वेलकम होता है इस अमेजिंग से व्यू के साथ। वलन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पब्लिक और प्राइवेट स्पीड बोट और फेरी लेने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। यू जस्ट नीड टू टेक एन एग्जिट फ्रॉम एन एयरपोर्ट एंड सामने ही आपको सारे स्टॉप्स दिख जाते हैं। वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाय रोड दो आइलैंड कनेक्टेड होते हैं। दोनों लोकल पब्लिक आइलैंड हैं, एक है हुलु माले, दूसरा है माले सिटी। वो दोनों एयरपोर्ट से ही दिख जाते हैं और वहाँ पर मोस्टली होटल हैं, बैंक हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे लेओवर के लिए रुकते हैं। ये जो सामने काउंटर देख रहे हैं, ये काउंटर है फेरी टिकट काउंटर जो माले के लिए है। यहाँ से आप फेरी का टिकट ले सकते हैं जो कि सिर्फ माले के लिए है। जो स्पीड बोट के ऑप्शन हैं वो हैं दो, एक तो है प्राइवेट स्पीड बोट जो प्राइवेट आइलैंड को कनेक्ट करती हैं और एक शेयरिंग स्पीड बोट जो लोकल और पब्लिक आइलैंड को कनेक्ट करती हैं। जो लास्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र है वो सी प्लेन। सी प्लेन उन सब प्राइवेट आइलैंड को कनेक्ट करता है जिनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एयरपोर्ट से, जहाँ पे प्राइवेट बोट या स्पीड बोट नहीं जाती है। सी प्लेन के साथ एक डिसएडवांटेज है, वो है वेदर कंडीशन। तो जब भी आप अपना प्लान करें मालदीव, तो वेदर कंडीशन देख के ही चलें। बहुत बार ऐसा होता है कि सी प्लेन फ्लाई नहीं करता, तो आपको लोकल आइलैंड में स्टे करना पड़ता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते टाइम यू विल बी एबल टू सी ऑल दीज काउंटर्स विद द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द डिटेल्स ऑफ रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज। सो दीज आर द काउंटर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट आइलैंड प्रॉपर्टीज। आपने जो भी प्रॉपर्टी बुक करी है, आप अपने उस प्रॉपर्टी के काउंटर को सर्च कर सकते हैं एंड अगर आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन गो टू द हेल्प डेस्क सेंटर। हमारा जो नेक्स्ट स्टे है आफ्टर दिस इज एट माफुशी आइलैंड एंड आई हैव बुक सनराइज बीच रिजॉर्ट वाया अगोड़ा। अगोड़ा से बुकिंग करने के बाद मुझे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया था, जिसकी हेल्प से मैंने उनसे एडवांस में बात करके अपनी फ्लाइट की डिटेल्स और अराइवल डिटेल्स शेयर कर दी थी। I would suggest if you are traveling for the very first time to speak to your representative in advance and share your details so that they can communicate and arrange your transfers accordingly. Maldives के बारे में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि उनका communication and arrangement बहुत smooth है, क्योंकि हमने already अपनी information and details सारी share करी हुई थी। जैसे ही हम counter पे पहुँचे, वहाँ पे जो representative थे उनके पास हमारा name और हमारी details already registered थी, जिसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई एंड इजीली हमारा ट्रांसफर अरेंज हो गया था। ओवरऑल ट्रांसफर के चार्जेस हमें लगे थे $25 पर पर्सन। सेम ही प्राइस पे आपको वहाँ पे भी शेयर स्पीड बोट मिल जाएगी, बट फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रैवलर आई वुड सजेस्ट टू प्री बुक इन एडवांस विद द हेल्प ऑफ योर होटल रिप्रेजेंटेटिव। दिस विल सेव योर टाइम। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, अगर आपको आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहा होटल का, आइलैंड का काउंटर नहीं मिल रहा, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, आप सिंपली ये जो सामने आपको राउंड कलर का काउंटर दिख रहा है, दिस इज़ हेल्प डेस्क काउंटर। यहाँ पे कोई ना कोई एम्प्लॉई बैठा होगा गवर्नमेंट का, वो आपको हेल्प करेगा आपके उस रिप्रेजेंटेटिव से कॉन्टैक्ट करने के लिए। उनके पास सभी के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, सभी आइलैंड के, सभी होटल्स के। वो आपको कोई भी सभी कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं जो भी आपको चाहिए। और ये जो टेलीफोन सामने दिख रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जस्ट इस पर डायल कीजिए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और वो आपको यहीं पे आके कनेक्ट करते हैं। इट्स वेरी गुड। इट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ ATM मनी एक्सचेंज एंड ये जो मेडिकल शॉप दिख रही है इसके सामने है। जो हमारा फर्स्ट स्टे है वो है माफुशी आइलैंड। क्योंकि ये एक पब्लिक आइलैंड है, वहाँ पे जिस होटल को हमने बुक किया है उन्हें हमें जो सर्विस प्रोवाइड की है, ट्रांसफ़र सर्विस, वो है शेयरिंग स्पीड बोट। हमें कॉस्ट किया $25 पर पर्सन, मींस हम दोनों का लगा $50, जो कि हमने होटल में ही जाके पे किया, यहाँ से कुछ भी पे नहीं करना था। हमारे शेयर्ड स्पीड बोट का फर्स्ट स्टॉप था माले सिटी, विच इज़ ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड एंड कैपिटल ऑफ मालदीव्स। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स मॉस एंड कलरफुल बिल्डिंग्स। It also has Islamic center, a library and a distinctive gold dome. हमारा जो second stop था that was Guli Island,
which is also located in South Mali Atoll, which is closer to Mafushi Island. उसके बाद हम पहुंचे अपने फाइनल डेस्टिनेशन, वो था माफुशी आइलैंड, वेयर वी गोना बी स्टेइंग फॉर 2 days. माफुशी आइलैंड इज आल्सो रिलेटिवली लार्ज एज कम्पेयर टू अदर आइलैंड्स इन द सेम अटोल एंड इट इज लोकेटेड इन द साउथ माली अटोल. माफुशी आइलैंड इज आल्सो वेरी पॉपुलर अमंगस्ट टूरिस्ट बिकॉज देर आर सो मेनी एक्सर्शंस एंड एक्टिविटी विच कैन बी डन एट माफुशी आइलैंड. जैसे ही हम माफुशी आइलैंड पहुंचे, हमारे रिजॉर्ट सनराइज बीच एंड स्पा के रिप्रेजेंटेटिव हमें वेलकम करने के लिए वहां पे आए हुए थे. उन्होंने हमें रिजॉर्ट तक गाइड किया और हमारा लगेज वहां तक पहुंचाया. उसके बाद हमारा स्वागत हुआ वेलकम ड्रिंक के साथ एंड वहां पे उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पब्लिक बीच. उसके बाद उन्होंने हमें डिटेल में बताया व्हाट ऑल एक्सर्शंस एंड एक्टिविटीज वी कैन डू एट माफुशी आइलैंड. This vlog may end here, but our journey has just begun. So stay tuned for more such interesting vlog where we're gonna be sharing our exciting journey at Maldives.